आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी स्थित कुंस कैप्स स्कूलन स्कूल में 3 दिवसीय मेगा स्पोर्टिंग इवेंट केड स्पोर्ट्स 2023 का बहुत शानदार आयोजन किया गया। 2 नवंबर को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज 4 नवंबर को इसका समापन किया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहे और 20 से ज्यादा स्कूल थे, 500 से ज्यादा बच्चों थे जिन्होंने इन पदकों के लिए यहां पर संघर्ष किया। कई तरीके के इवेंट्स खेले गए। इस इवेंट की पूरी जानकारी लेने के लिए हम स्कूल की हेड मधुलिका अग्रवाल जी से बातचीत करेंगे और साथ में कुछ खास स्पोर्ट्स पर्सन यहां पर आए हुए हैं इसके क्लोजिंग सेरेमनी पे, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से खेलों के माध्यम से स्कूलों में न केवल शारीरिक शिक्षा को बल्कि मानसिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। Hello, my name is Gloria Mind Singh and I'm in 9th grade. Hello, my name is Elsa Lee, I'm in grade 9. Hello, my name is Adanyani Rara and I'm from 8th grade. तो बेटा कौन सा स्पोर्ट्स आपने खेला, किसकी ट्रॉफी आपको मिली, एक्सपीरियंस कैसा रहा? So this is, we got the trophy for under 16 and under 14 basketball and our experience was pretty tough. And really good क्योंकि there were tough teams all over the Lucknow and ढेर सारे schools आए and it was a pretty much fun experience. आप क्या बोलोगे बेटा, experience कैसा रहा? It was amazing. Entire climbing up the entire ladder and then winning this trophy, it was amazing. It was, I think, very good experience because I didn't play under 16 and under 14 both before, but I think, you know, we know how to get our energy and teamwork. It was good. I think it was awesome because we kind of rectified our faults and we pushed through and we actually won. From all the experiences, we won and we used those experiences to our best. मधुलिका अग्रवाल, हेड ऑफ स्कूल कुंस कैप स्कूल इन लखनऊ। हमारा विद्यालय एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की पद्धति पे बेस्ड स्वीडन का ब्रांड है और अभी हम लोगों ने 2, 3 और 4 नवंबर को केड स्पोर्ट्स नामक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट का हम लोगों ने संचालन किया और बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को किया। विद्यालय हमेशा एक बच्चों की बहुमुखी विकास पे ध्यान देते हुए पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी बहुत आगे प्रोत्साहित करता है, खिलाड़ियों को भी, और ना कि केवल लड़कों को बट लड़कियों को भी। हमने अभी जो है इस स्पोर्टिंग इवेंट में विभिन्न खेलों की श्रेणी में बच्चों को मौका दिया। वी हैड अंडर 14 एंड अंडर 16 कैटेगरी इन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, चेस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। सो इट वाज अ मेगा स्पोर्टिंग इवेंट वेयर वी हैड 800 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 28 स्कूल्स ऑफ द सिटी एंड इट वाज अ नेशनल लेवल इवेंट बिकॉज वी हैड टीम्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर ऑल्सो पार्टिसिपेट। The event was, the opening ceremony was graced by the regional sports officer, Mr. Abhinav Singh Pundir, national, international famed basketball player. And today we have special guests with us for the closing ceremony. It was a very, very successful event and matches are on right now. We are about to culminate this mega sporting event, KED Sports 2023. आज क्लोजिंग सेरेमनी पे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हमारे बीच में आए हुए हैं, थोड़ा इनका परिचय करा दीजिए। जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ONGC ऑफिशियल्स आज मौजूद हैं। श्री विनीत चौधरी जी जो कैप्टन हैं इंडिया वॉलीबॉल टीम सीनियर, और उनके कोच साथ में हैं मिस्टर अवनीश। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक हमें मतलब बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि ना केवल कैप्टन बट उनके कोच भी साथ में हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो मैं इनसे 2 शब्द के लिए आग्रह करूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और बच्चे कितना खेलकूद में भाग लें, किस तरीके से उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, क्या कहना चाहेंगे सर? इस इवेंट के बारे में तो बहुत, सबसे पहले मैं इस इंस्टीट्यूशन को बधाई दूंगा कि इतने इवेंट्स, इतने डिसिप्लिन एक साथ इन्होंने कंडक्ट कराए हैं। और ये बड़े अच्छी बात है कि 29 टीम है, 29 टीम्स जो कि सारे इवेंट, 6 इवेंट्स में जो लोग पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा इवेंट है और एक बहुत अच्छा स्टेप है आगे स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। मैं पुनः इस इंस्टीट्यूशन को बधाई देता हूँ।
जी, आम सर लोगों से, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को, अब खैर माहौल बहुत बदल गया है लेकिन अभी भी उनको लगता है कि रोजगार नहीं मिलेगा खेलने से, और खेल तो सेकेंडरी चीज है, इंजीनियर बनना है और खिलाड़ी नहीं बनना है? नहीं, ये मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ सब लोगों को जो लोग मेरी बात को सुन रहे हो, कि खेल खेलने से कोई भी एजुकेशन, अगर किसी भी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं, कितना टाइम स्पोर्ट्स को देते हैं, कितना एक्टिविटीज को देते हैं, कितना स्टडीज को देते हैं। अगर आप अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं तो खेल के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। आज के इवेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज रहेगा लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बच्चों को, अभिभावकों को खेल के लिए लेकर के? इवेंट बहुत अच्छा करा है कुंस कैप स्कूलन ने और यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, और जैसे अग्रवाल मैम और वेद सर ने हम लोगों को इन्वाइट किया है तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है लेकिन उसके साथ साथ अगर वो स्पोर्ट्स भी करेंगे तो उनको फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और उनका जो माइंड है वो भी बैलेंस रहेगा, पढ़ाई में और ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं में से हमें आगे जाके जो हीरोज हैं हमारे देश के लिए वो मिलेंगे। Once again.